बैक टू माई YouTube चैनल जॉइन फैमिली एंटरटेनमेंट। आज मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा बहुत टेस्टी लच्छा परांठा। आज सैटरडे है, मेरा ऑफ है, इट्स वीकेंड, सो आई थॉट लेट्स शेयर द रेसिपी विद यू। ये हमारा आटा, हमने इसको एम्पल अमाउंट में लेना है थोड़ा सा, क्योंकि लच्छा परांठा में यू हैव टू टेक मोर देन अ रोटी, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट यूज्ड टू मेकिंग ऑल दीज वीडियोज, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया गैस, ये मैं अपना देसी घी इस पर रख रही हूँ सो दैट ये मेल्ट हो जाए, एंड दिस इज आर देसी वे ऑफ वर्किंग। ऑल्सो अगर आप ट्राई करोगे कि आप हमेशा परांठा रोटी काले तवे पे बनाओ तो वो बहुत ही प्रेफर्ड है, इतना टेस्टी बनेगा, क्योंकि पुराने टाइम में भी लोग नॉन स्टिक तवा नहीं यूज़ करते थे। आई डोंट थिंक सो नॉन स्टिक तवा इज़ गुड फॉर आर हेल्थ, बट इट्स अप टू एवरी वन दीज डेज, बट आई वुड लाइक टू प्रेफर टू मेक रोटीज एंड परांठाज ऑन काला तवा, ठीक है। हमारा घी मेल्ट हो रहा है, ठीक है। घी मेल्ट हो गया, हम थोड़ा सा गैस को कम कर देते हैं बिकॉज काफ़ी गर्म हो गया तवा। अब मैंने घी लिया, हमने इसको अपने परांठे में अंदर किया। ये मैंने लिया नमक, ये मैंने ली अजवाइन, अजवाइन तो ज़रूर डालें अपने परांठों में क्योंकि अजवाइन डालने से आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मिर्च डाली मैंने, और मैं ज़रूर डालती हूँ कसूरी मेथी जब भी मैं लच्छा परांठा बनाती हूँ, क्योंकि हम इसको किसी और चीज़ से स्टफ़ नहीं कर रहे, तो हम इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे पूरे परांठे पे। देन स्टार्ट रोटेटिंग द परांठा। अब देखो, आपको लच्छे परांठे को ना ऐसे 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 सर्कल 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 करके रोटेट करना है, फिर आपने इसको ऐसे राउंड राउंड जलेबी की तरह घुमा देना, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से कर लेती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक ऑल द कसूरी मेथी विच इज़ ऑन द चकला। अब देखो, ये हमने बनाया, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। आप कहीं सोचो कि ये बस बन गया लच्छा परांठा, नो, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये हमने कर दिया, आप देख रहे हो स्टफिंग कितने अच्छे से दिख रही है इसके अंदर, जो हमने मसाले डाले हैं। आप जैसे खाते हो मसाले आप वो डाल सकते हो, अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा खाते हो, अगर कभी हमें गार्लिक परांठा खाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, तो इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी लगा देती हूँ। अब आपको ऐसे ऐसे एक स्पैचुला, नाइफ, स्पून, व्हाटएवर इज अवेलेबल एट योर होम, ये ऐसे लेना है, इसको ऐसे ऐसे आप कट करो, ठीक है। ये बहुत सारे पार्ट्स में कट हो गया, अब आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक रखते जाओ। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऊपर ही आए, क्योंकि लच्छा परांठा रफ एंड टफ होता है। ये हमने ऐसे रखा, आई नो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जब सबको खिलाना हो घर पे तो इट टेक्स वेरी टाइम, सो मच ऑफ योर टाइम, बट यू कैन ट्राई टू मेक योर हस्बैंड फील स्पेशल अबाउट, टू मेक योर फैमिली नो दैट यू मेक ऑल दिस, ओनली इफ दे वैल्यू। अब देखो, अब मैंने इसको बनाया, ये देख रहे हो आप, ये लच्छे बन गए इसके, ये देखो, ये देखो, ये इसके एग्जैक्टली लच्छे, गोल 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 लच्छे बने हैं ये इसके।
अब मैं इसको बहुत अच्छे से कर लूंगी। बहुत ज्यादा हमने इसको पतला नहीं करना क्योंकि परांठा थोड़ा सा थिक होना चाहिए। ये हमारा रेडी। अब मैं थोड़ी सी गैस तेज कर देती हूँ। ठीक है, हमारा तवा बिल्कुल प्रॉपर गर्म है। इसको हमने डाला। जब तक मैं दूसरा डो तैयार कर लेती हूँ क्योंकि टाइम लेता है। अभी मैं अकेली हूँ तो मैं अपने लिए दो परांठे बनाऊंगी आज बढ़िया से विद अदरक वाली चाय एंड मक्खन ऑन इट। आई विल सी इफ वी हैव कर्ड इन द फ्रिज, आई एम नॉट श्योर। अगर हुई तो दही, वरना आई टेक पिकल एंड चाय। चाय के साथ साथ चुस्की और साथ साथ परांठा। ठीक है, मैं अपनी डॉटर के लिए अंदर ऐसा ही लच्छा परांठा बनाती हूँ, बहुत सारा घी डाल के, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और अंदर मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ, सिर्फ डालती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। लेकिन वो अलग बात है कि वो कुछ नहीं खाती दो बाइट से ज़्यादा। उसने बहुत तंग करती है, बहुत चूज़ी है खाने के मामले में। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कैसे उसको खाना सिखाऊं। शी इज़ जस्ट 3 years old और वो बहुत फंसी है। 3 साल का बच्चा प्रॉपर खाना थोड़ा सा खाना चाहिए मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमने भी खाया होगा और सब खाते हैं आसपास के बच्चे, बट वो थोड़ी सी इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। अब देखो ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सीख गया है ना। अब मैं इसके यहाँ पे लगाऊंगी। आप जितना घी प्रेफर करते हो आप लगाओ, मैं थोड़ा सा ये घी लगाती हूँ। पंजाबी घर से हम, पंजाबी लोग तो वैसे ही खाने के शौकीन, घी, मक्खन, दही, लस्सी, बटर चिकन, पनीर बटर मसाला आन दो, सब आन दो। लेकिन हाँ, मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कर लेती हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक ड्रिंक डाला हुआ है, डिटॉक्स ड्रिंक। सो आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, रोज सुबह खाली पेट वो डिटॉक्स ड्रिंक पियो। एंड ये देखो, लुक एट द वे द परांठा लुक्स। प्लेट इसमें मैं डालती हूँ इस परांठे को। सी अभी मैं इसमें रखूंगी मक्खन। लेट मी स्प्रेड दिस वन एज वेल। गैस को मैंने फिर से कम कर दिया है ना। अब ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। थोड़ा ज्यादा घी डल गया तो वो बाहर भी आ रहा है, बट दैट्स फाइन। जितना घी उतना सॉफ्ट पराठा। बैलेंस रखो अपनी डाइट को। अगर आप थोड़ा सा ये खा रहे हो तो बाकी तली हुई चीज़ें अवॉइड करो। अगर मैं आज सैटरडे ये खा रही हूँ तो मैं ट्राई करूँगी। वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम से बाहर का जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। ऐसे ही बस कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ, सो इसलिए ये किया हमने। के ऊपर एक रखी, मैं रिपीट कर रही हूँ। ये हमने रखा, ये रखा। वेरी इजी टू मेक। और फिर इसको ऐसे 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 हमने घुमा दिया। ये बन गए लच्छे। अब दोबारा से कसूरी मेथी तो डालो ही डालो, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है कसूरी मेथी का। आपका मन है आप मेथी को घर पे धूप में ड्राई करके उसको हाथ से ऐसे रब करके यू कैन पुट, अच्छा टेस्ट आता है। घर की तो ऑलवेज हर चीज़ बढ़िया होती है।
टेक आउट बटर, वैसे मैं प्रेफर करती हूँ व्हाइट बटर, बट अभी व्हाइट बटर नहीं है तो लेट्स टेक दिस बटर। और बढ़िया मक्खन रखो, ये दो परांठों के लिए मेरा, दो परांठों के लिए बटर मेरा इनफ है। कल आपके लिए वीडियो आएगी, मैंने एक मीशो से कोई किचन प्रोडक्ट मंगवाया एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, देखते हैं मतलब प्रोडक्ट लिंक पे तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट अनपैक करेंगे देखते हैं वो कैसा निकलता है, बट आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू, द अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड लेट्स सी हाउ एवरीवन फील्स अबाउट इट, कैसा आता है। तवा गर्म नहीं हुआ अभी क्योंकि मैंने कम कर दिया था और मैं तेज करना भूल गई। मैं सच्ची बताऊं मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही इस चीज़ पे कि मेरे को ऐसी कटलरी चाहिए, ऐसी क्रॉकरी चाहिए जस्ट टू पुट कुकिंग ब्लॉग्स इन ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी जो है, जो हम नेचुरल हैं, जो हम रियल हैं, जैसे हम रह रहे हैं, आई वुड लाइक टू शो यू दैट वे। तो सॉरी अगर किसी को अच्छा ना लगाओ, और जिसको अच्छा लगाओ प्लीज़ support my channel, do like, share, comment, do everything which I, you know, if you want to support somebody who's starting something new, wants to motivate someone, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट तो भूल जाओ, साथ साथ और बातें भी बोलते हैं, अरे यही काम बच गया, जॉब करनी रही वो काफी नहीं है। तो आई थिंक ये अपना अपना पैशन होता है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही मैंने बस कर लिया, मन था मेरा, मुझे लगा कि ये चीज अच्छी है, लेट्स ट्राई, ट्राई देते हैं इसको कैसे जाती है। और ये भी बन गया, इस पे मैंने थोड़ा सा घी कम लगाया, बट क्योंकि बटर भी मैंने ज्यादा ले लिया। बंद करते हैं इसको और ये हम रख देते हैं उल्टा। अब आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये मेरे दो परांठे हैं, ये मैंने बटर लगा दिया। अगर आप इसको किसी को सर्व कर रहे हैं तो बेस्ट वे यू कैन डू, अगर आपका हैंड बियर कर सकता है गरम, तो आप ऐसे लो इसको, थोड़ा सा ऐसे लो इसको, ऐसे क्रश कर दो थोड़ा सा, टूटे ना बट उसके लच्छे थोड़े थोड़े उनके अंदर बटर जाए, दिखने में अच्छा लगे। एंड यू कैन गिव पीपल, देखो ये लच्छे खुल रहे हैं इसके जो हमने बनाए कट करके, एंड बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, पूरे परांठे में चला जाएगा। और आई एम सो सॉरी ये तो टूट गया, बट जब आप खाओगे ओ माय गॉड मज़ा ही आ जाएगा, मेरे को तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। चलो पहली बाइट आपको टेस्ट कराते हैं। ये मैंने लगाया अमेजिंग, आई एम सो सॉरी आई कांट गिव यू इनसाइड द कैमरा, बट आप ट्राई करो, लेट मी नो इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर कमेंट।